हेलो एवरीवन, क्या हाल हैं आप सबके। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं आज के यानी कि CAIPCC नवंबर 2017 के कॉस्ट एफएम पेपर की पूरी एनालिसिस। काफी सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, फोन करके बोले भैया पेपर तो इजी था, प्लीज एक बार एनालिसिस जरूर करके बताइए कौन सी चीज कहाँ से थी। काफी लोगों ने कुछ सिली मिस्टेक्स भी की है जिसका अफसोस तो हो रहा है कि क्यों कर दिया उन्होंने, बट स्टिल ये वीडियो है सभी के लिए जो लोग थोड़ी सी जिज्ञासा रखते हैं और एग्जाम के बाद में जिनके मन में बटरफ्लाइज रहती है ना, पेट में बटरफ्लाइज रहती है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, हमने कितना परसेंट राइट किया वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है और उन लोगों के लिए कतई नहीं है जिनको जिनका थोड़ा दिल कमजोर है, जिनका थोड़ा सा डर लगता है, उनके लिए जरूर अब भी ये वीडियो देखने लायक नहीं है। आप तभी देखिएगा जब आपके सारे एग्जाम्स हो जाएं। बट फॉर दोज हु लव एनालाइजिंग पेपर लाइक मी, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में हम लोग इस पेपर की एनालिसिस। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा मेरे पीछे CAIPCC पेपर के हर एक क्वेश्चन का सोर्स वगैरह एवरीथिंग, सो वी आर जस्ट गोइंग इनटू इट। आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन जो आपको दिख रहा है ये है लेबर का, और ये क्वेश्चन नंबर वन कहां से आया, ये आया अपने प्रैक्टिस मैनुअल से, क्वेश्चन नंबर 15। इसके रिमार्क्स ये हैं कि इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं थे, मतलब जस्ट आपके प्रैक्टिस मैनुअल 2000 जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें जो फिगर्स हैं और इसके जो फिगर्स हैं सिर्फ फिगर्स में ही अंतर है और कोई खास अंतर नहीं है। सवाल काफी इजी था, रोवन और हेल्से के बोनस पे सवाल था और मेरे हिसाब से ये पूरे पांच में से पांच नंबर लाने लायक अपॉर्चुनिटी थी। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज इजी, क्लियर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी सोर्स नहीं बता सकता मैं क्योंकि मुझे सोर्स मिला भी नहीं, काफी ढूंढा नहीं मिला, बट इतना कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बेसिक था और बेसिक क्वेश्चन हो जाने की वजह से ये था भी बहुत इजी, सवाल बहुत इजी था। इन्होंने वर्क सर्टिफाइड इनडायरेक्टली दे दिया था, कैश रिसीव्ड के माध्यम से वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ था और शायद मुझे जितना याद है प्रॉफिट दिया हुआ था, तो प्रॉफिट से नोशनल प्रॉफिट वगैरह सब कुछ कैलकुलेशन हो सकता था। इन्होंने एक स्पेसिफिक कुछ एक जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वही सब चीजें पूछी थी और काफी ईजी था, काफी बेसिक प्रॉब्लम था, मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। Then comes question number 1C, which is time value of money। अरे भैया ये चैप्टर के लिए जो इग्नोरेंस है मेरे को सच में उसमें इरिटेशन होती है, वाई पीपल इग्नोर दिस चैप्टर सो मच। बट ठीक है, हर तीन चार टर्म में एक बार आता ही है और इस बार आया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड आई कैन टेल यू दिस फॉर श्योर इस बार सबसे अच्छा सवाल आया है, क्योंकि इससे पहले जब भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता था बड़ा ही बचकाना सा सवाल आता था। इस बार दे हैव आस्क्ड अ बेसिक प्रॉब्लम ऑन एन्युइटी, लेकिन बेसिक उनके लिए है जिनको बेसिक लगता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो लोग जरा सा भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं करके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, आज उन लोगों ने पांच नंबर शायद कहीं खो दिए होंगे, बिकॉज सवाल काफी इजी था और मेरे हिसाब से ये सवाल एकदम बनने लायक था। नेक्स्ट कम्स वन का डी, ये था कैपिटल स्ट्रक्चर में से, ये था इंडिफरेंस पॉइंट पे, विच इज बिलीव टू बी वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड प्रॉब्लम इन कैपिटल स्ट्रक्चर। ये था प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहां से देख लीजिए सिर्फ थोड़े बहुत जो थे वो फिगर्स चेंज थे और ये काफी इजी सवाल था। सो कहीं ना कहीं जो लोग काफी लोगों के मेरे पास रिव्यूज आए बोले भैया क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ करके बाद बाकी सब इजी था, मैं सच्ची बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो अनकॉमन क्वेश्चन थे जिनको प्रैक्टिस मैनुअल में हम देखे नहीं, बट स्टिल काफी इजी था। मेरे हिसाब से 20 में से अगर आप एवरेज लेवल पे भी सॉल्व करो तो मेरे ख्याल से 3 तो करेक्ट करोगे, तो 15 नंबर तो आने ही चाहिए थे, बट खैर गाड़ी छूट गई तो छूट गई, उस पे अपने को टेंशन लेकर के फायदा नहीं है। लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 2A, व्हिच केम फ्रॉम जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। ये भी मैंने सोर्स पता लगा लिया, ये है प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा डिफरेंस है इस सवाल में, और ये सवाल सिंस जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट कंसिडरिंग द फैक्ट कि ज्यादातर लोग छोड़ के जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते अच्छे से, तो मैंने इसको एवरेज बता दिया है कि ये चलो भैया एवरेज क्वेश्चन था, बट स्टिल मेरे को ये नहीं लगता है कि ये एवरेज था, काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू थिंग्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका प्रैक्टिस मैनुअल से है उसे लगभग मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 2B, अनडाउटेडली द इजिएस्ट प्रॉब्लम दैट कुड हैव कम फ्रॉम कैपिटल बजटिंग आ गया। मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि कैपिटल बजटिंग से डरने की बात नहीं है, आप ये भी तो सोचो कि कैपिटल बजटिंग का कुछ हिस्सा है जो बहुत ईजी भी है और कुछ हिस्सा है जो थोड़ा सा टेक्निकल है। लो भैया वो वाला हिस्सा आ गया जो था बहुत ईजी, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, मतलब वो सभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वगैरह का कैलकुलेशन पूछा था और बहुत ईजी था। हालांकि ये सेम सवाल तो प्रैक्टिस मैनुअल में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 12 लगभग इससे मेल खाता हुआ सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंस था सवाल में, बट ठीक है, इट इज स्टिल वेरी वेरी इजी। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन नंबर 3A केम फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, भैया दिस वॉज अ कंप्लीट डिलाइट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या नहीं पूछ सकते थे वो आपको,
पर उन्होंने क्या पूछा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, जो लोग डरते भी हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में उनको मटेरियल में ये एक डिलाइट मालूम चली कि कितना आसान हो गया। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों ने तो पक्का कुछ ना कुछ पेज भिड़ाया ही होगा, बट अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया तो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक दिस केम फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल 13, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस था, डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस था, बट स्टिल ये क्वेश्चन भी काफी ईजी था और मेरे हिसाब से इट इज डूएबल। एंड देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3B जो कि था मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल से। ये तो भैया एग्जैक्ट सवाल था प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन नंबर 8 से, सिर्फ थोड़े से फिगर्स विगर्स चेंज थे और कुछ नहीं, बहुत इजी सा सवाल था और मैं बोलूंगा ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर आपने मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल प्रैक्टिस किया कभी भी तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो मेरे हिसाब से ये भी काफी इजी था। फॉर अ चेंज इस बार जो क्वेश्चन नंबर 4A पूछा वो था मार्जिनल कॉस्टिंग वाला, और मार्जिनल कॉस्टिंग वाले सवाल में सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि भैया ये आए हुए सवाल ही पूछते हैं, बट इस टाइम फॉर अ चेंज दे आस्क्ड अ न्यू प्रॉब्लम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोगों ने पूछा एक न्यू प्रॉब्लम, और ये न्यू प्रॉब्लम फिर भी काफी ईजी था, या इजी या एवरेज में भी मैं इसको गिन सकता हूं, बट स्टिल मार्जिनल कॉस्टिंग ज्यादातर स्टूडेंट्स का या तो फेवरेट होता है या तो वो छोड़ के ही जाते हैं। फेवरेट अगर है तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई भी सवाल इजी ही लगेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का ये सवाल था ब्रेक इवन पे, फॉर द फर्स्ट टाइम आई बिलीव इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कोई खासा ब्रेकअप वगैरह वाला था। सो दिस टाइम दे आस्क्ड अ लिटिल टिपिकल क्वेश्चन, बट स्टिल दिस वॉज वेरी इजी एंड नए नए ब्रेक इवन कैलकुलेट करने का ये सवाल था, अच्छा सवाल था। 4 का भी अरे भैया ये तो वो क्वेश्चन है जिसमें इतना कंफ्यूजन हो गया लोगों को। लेवरेज का स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रॉब्लम था, सिर्फ कुछ फिगर्स का चेंज था और तो कुछ चेंजेस भी नहीं थे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट काफी लोगों ने सवाल को गड़बड़ किया। सवाल में था क्या, आपको ऑपरेटिंग और कंबाइंड लेवरेज दिया हुआ था, फाइनेंशियल लेवरेज पूछा था, उसके अलावा इनकम स्टेटमेंट बना करके पीवी रेशियो वगैरह कैलकुलेट करना था, बट कईयों ने क्या किया, जो डेट की वैल्यू थी उस पर इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ था उसी को इंटू किया और उसको इंटरेस्ट मान लिया, और इसके कारण उनका फाइनेंशियल लेवरेज सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था। अरे भैया इसमें अप्रोच ये होता ही नहीं है, अप्रोच होता है कि आप पूरा का पूरा सवाल बनाओ और इनकम स्टेटमेंट को बनाओ विदाउट यूजिंग द वैल्यूज ऑफ डेट एंड इंटरेस्ट रेट। अब इसके पीछे अगर आपको लॉजिक नहीं मालूम है या टीचर ने बताया आपको याद नहीं आ रहा है तो ये तो जरा गौर कीजिए, आप किस बेसिस पे उस इंटरेस्ट रेट को सीधे के सीधे डेट में इंटू कर दोगे, क्या पूरे साल भर तक ये डेट इशूड रहा था, देयर इज नो गारंटी। तो जब गारंटी नहीं है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटू करना तो गलत है, और अगर आपने किया है तो थोड़े बहुत तो नंबर कट सकते हैं, बट स्टिल बी ऑप्टिमिस्टिक। अगर आपने इसमें फाइनेंशियल लेवरेज वगैरह की वर्किंग्स वगैरह कुछ दिखाई है पार्ट मार्किंग डेफिनेटली मिलेगा। जिन्होंने इस सवाल को एकदम 100% श्योर बनाया है कंग्रेचुलेशंस, 8 नंबर आपके बनाना चाहिए था वैसे, ठीक है। सो लेवरेज का ये 15 नंबर जो प्रैक्टिस वालों का क्वेश्चन है सिर्फ फिगर्स को चेंज थे और मैंने इसको वापस बोला है इजी क्वेश्चन है ये। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6A विच केम फ्रॉम ओवरहेड्स। वाओ ओवरहेड्स का सवाल था, मैनडे का एक ही सवाल है टोटल घुमा फिरा करके, और ये गारंटीड वेजेस वाला सवाल था शायद, अच्छा सवाल था, मतलब आई बिलीव दैट दिस वाज अ गुड क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस मैनुअल का था स्ट्रेट फॉरवर्ड। वापस प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 11 सिर्फ कुछ फिगर्स चेंज थे, मेरे ख्याल से ये काफी इजी क्वेश्चन था। 6 का बी केम फ्रॉम रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल से, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और सिर्फ कुछ फिगर्स चेंज थे यार, और तो कुछ डिफरेंस ही नहीं था इसमें, सिर्फ फिगर्स कुछ चेंज थे और ये मेरे हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन था। सो दिस इज इट, ये रहा अपना पूरा पेपर एनालिसिस। हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर से सवाल आए थे, कितने मार्क्स के आए थे, और देखिए आप ओवरऑल लेवल जो था, ये देखिए ये रहा ओवरऑल लेवल यहाँ पे, अच्छा सॉरी मेरा हाथ नहीं जा रहा, ये रहा ओवरऑल लेवल। तो ओवरऑल लेवल तो यार ज्यादातर मुझे ईजी दिख रहा है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी यही थे कि भैया पेपर तो ईजी था एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू लिटिल एरर्स जो कि एक्सेप्टेबल हैं, थोड़ी बहुत तो गलतियां आप करोगे, आप लोग इतने सारे सब्जेक्ट्स का भार झेल रहे हो, थोड़ा बहुत गलती एक्सेप्टेबल है। सो अगर आपका पेपर एवरेज 55-60 प्लस आ सकता है इस पेपर में तो आपने ये पेपर आराम से अच्छा किया है, अगर आप 75-80 प्लस ला सकते हो तो आपने पेपर बहुत अच्छा किया है। हालांकि इस पेपर में जिसका कॉस्ट एफएम फेवरेट है 85 टच होने के लायक चांसेस थे क्योंकि ज्यादातर सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कमिंग बैक टू प्रैक्टिकल्स, तो ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस बताऊं तो ओवरऑल एनालिसिस तो बहुत सही थी यार, टोटल 84 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है, 16 नंबर का थ्योरी कंपलसरी होता करना, 84 में 66 मार्क्स का तो पीएम के ही सवाल है जो मैंने बता दिए, थोड़े थोड़े फिगर चेंज करके कैलकुलेशन थी, तो काफी इजी सवाल थे।
और इसके अलावा अगर मैं सिर्फ इजी की कैलकुलेशन करूं तो मुझे तो सिर्फ एक सवाल ऐसा लगा जो एवरेज था, इसके अलावा चलो ठीक है दो ले लेते हैं तो भी 68 टू 76 मार्क्स का हम लोग बोल सकते हैं कि इजी क्वेश्चंस थे। तो इतना होने के बाद इस पेपर में एग्जम्पशन लाना तो एकदम कंपलसरी है यार। तो ठीक है, आगे के एग्जाम की वैसे तैयारी कीजिए, अगर आपका ये पेपर थोड़ा सा भी बिगड़ा है कोई बात नहीं, और अगर ये आपका पेपर अच्छा गया है तो क्या बात है, आपके पास सोर्सेज हैं, अगर आप मैच करना चाहें तो जरूर मैच कर लें। इसके अलावा हर बार कॉस्ट एफएम के पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि चैप्टर्स इग्नोर होते हैं, क्योंकि इतना सा पेपर है और इतना बड़ा सिलेबस है तो कुछ ना कुछ तो इग्नोर हो गई, तो इग्नोर हुए हैं टोटल कॉस्ट के, देखिए कौन कौन से चैप्टर्स इग्नोर हुए हैं, मटेरियल, नॉन इंटीग्रेटेड, जॉब एंड कॉस्टिंग वगैरह, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इग्नोर हुआ है कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं आया। So, बस यही था अपना कॉस्ट एफएम का आज का पेपर एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया है तो मैक्सिमम लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें, कमेंट करें और बताइए मुझे कि आज का आपका पेपर कैसा गया। दैट्स इट, बाय बाय।